की तरफ गिर रहा है, यहाँ से समझ लीजिए वॉल्यूम उस जगह पे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट गिर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है डाउन साइड के लिए। लोग क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट आया, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट है, बड़ा सा कैंडल बना तो यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा सा बन जाता है। लोग सोचते हैं अच्छा है, कन्फर्मेशन है, वॉल्यूम तो आया है, लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम ब्रेकआउट पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रीज़न क्या होता है? रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर ही लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। ये लेवल जब भी टूटेगा तो वॉल्यूम तो जनरेट होगा ही। अब ये लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से वॉल्यूम जनरेट हुआ, बायर्स आए कि नहीं इस वॉल्यूम में तो हम नहीं पता लगा सकते ना, तो उस जगह पे वॉल्यूम उतना अच्छे से काम नहीं करता। लेकिन ब्रेकआउट आता है, मार्केट वापस जब नीचे की तरफ गिरता है और उस जगह पे वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा? मार्केट नीचे तो गिर रहा है, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे डाउन साइड के लिए। क्लियर है? मार्केट नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे डाउन साइड के लिए। और मार्केट फिर रिटेस्ट करता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रेकआउट आया तो रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अब मार्केट में एक रैली देखने को मिलेगा। इस तरह से वॉल्यूम को हम लोग यूज करेंगे तो कभी फंसेंगे नहीं। हाँ, वॉल्यूम मतलब ये बोल सकते हैं लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि वॉल्यूम तभी जनरेट होगा जब यहाँ पे मार्केट में पैसा आएगा। और मार्केट जब रेंज में रहता है, वॉल्यूम अगर एकदम न्यूट्रल है तो बहुत अच्छा बात है, उससे और अच्छा कन्फर्मेशन मिलता है। क्यों कन्फर्मेशन मिलता है? मार्केट रेंज में है, वॉल्यूम भी न्यूट्रल है, मार्केट रेंज के बाहर जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? लोग पैसा लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरीका से वॉल्यूम का यूज़ करते हैं हम लोग।